हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल भी कहा जाता है। सो बीएससी एंड एमएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डिटेल मैकेनिज्म समझेंगे। साथ ही साथ ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, इसके नाम से ही स्पष्ट है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जो कि मार्कोनिक ऑफ रूल के अगेंस्ट है। सो पिछले वीडियो में हमने मार्कोनिक ऑफ रूल के बारे में समझा है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट आता है तो ये बहुत इजी है, उसी से ही रिलेटेड है। सो व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट? खरास एंड मायो इन 1933 प्रूव दैट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर, सनलाइट आर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, द एडिशन ऑफ HBr ऑन एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक प्लेस अगेंस्ट द मार्कोनिक ऑफ रूल। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1933 में मायो एंड खेरस ने इसे दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर ऑक्सीजन जैसे कि एयर या सनलाइट या फिर कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, की उपस्थिति में जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन और HBr या फिर HCl, ठीक है, जो हेलोजन एसिड होते हैं, उनका एडिशन रिएक्शन कराया जाता है, तो जो मार्कोनिक ऑफ रूल में हमको जो प्राप्त होता है, मेन जो प्रोडक्ट हमको जैसे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, उसके अगेंस्ट ही हमको दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। मतलब असामान्य क्रिया होती है अगर पेरोक्साइड ऐड होता है तो। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट में। क्या है कि मार्कोनिक ऑफ रूल, पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, मार्कोनिक ऑफ रूल में मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन या हैलोजन एसिड का एडिशन रिएक्शन होता है तो हमको दो प्रोडक्ट मेन प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला जो है मेन प्रोडक्ट होता है हमारा, जैसे यहाँ पे हमने HCl और ये प्रोपिलीन का रिएक्ट कराया तो 2-chloropropane। ठीक है, मतलब मेन अगर यहाँ पे HBr हम रिएक्ट करा रहे तो हमको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये मार्कोनिक ऑफ रूल के आधार पर है। लेकिन अगर इसमें ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है इस रिएक्शन के समय, ठीक है, तो हमको जो है दूसरे प्रकार के रिएक्शन होंगे, असामान्य रिएक्शन होगा और दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो हमको एन प्रोपाइल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। ठीक है, वन ब्रोमो प्रेजेंस अगेंस्ट द मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, ये बेसिकली मार्कोनिक ऑफ रूल में हमको मेन प्रोडक्ट ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये मार्कोनिक ऑफ रूल के आधार पर है। जब हमारा ये प्रोपिलीन और HBr का रिएक्ट कराएंगे तो ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अगेंस्ट हमको क्या प्राप्त होगा? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके मैकेनिज्म को अगर हम समझेंगे तो और आपको डिटेल में समझ में आएगा। सो मैकेनिज्म ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट इन प्रेजेंट of sunlight or peroxide reactions take place by free radicals. In presence of sunlight, homolytic fission occurs in HBr molecule and the bromine free radical is formed. ठीक है, अब ये main क्यों ऐसे होता है, क्यों हमको जो है मार्कोनिक ऑफ रूल के अगेंस्ट जो है प्राप्त होते हैं प्रोडक्ट, इसका मेन कारण है फ्री रेडिकल। ठीक है, अब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे ये हमारा HBr है तो सनलाइट के प्रेजेंट में यहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन आपको पता होगा, ये जैसे कोवलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इस प्रकार से जो है ब्रोमाइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पेरोक्साइड है, ठीक है, ROOR, तो यहाँ पे भी जो है फ्री रेडिकल बनेगा R, ठीक है, 2RO एलॉक्सी फ्री रेडिकल से हमको प्राप्त होगा। फिर जब पेरोक्साइड और ये जो है HBr का रिएक्शन होगा तो हमको Br जो है ये फ्री रेडिकल प्राप्त होगा एंड ROH, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा और इस प्रकार से हमको Br जो है फ्री रेडिकल प्राप्त होगा। सो ब्रोमीन फ्री रेडिकल लिंक विद एनी ऑफ टू कार्बन एटम बॉन्ड विद डबल बॉन्ड इन एल्कीन एंड न्यू फ्री रेडिकल इज फॉर्म। दिस न्यू फ्री रेडिकल मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल बट सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है, अब ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल हुआ है ये हमको ये बेसिकली लिंक करेगा दो कार्बन एटम्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, ये हमारा प्रोपिलीन है, ये Br जो हमारा फ्री रेडिकल है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, तो ये हमारा पहला नंबर वाला कार्बन है, ये सेकेंड नंबर वाला, ये तीसरा नंबर वाला कार्बन। तो ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये या तो इस पहले नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ सकता है या सेकेंड नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, किसी के साथ भी जुड़ सकता है। तो इससे फिर हमको दो प्रकार के जो है फ्री रेडिकल्स प्राप्त होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
सो बॉन्ड एल्किन एंड न्यू बॉन्ड रेडिकल इज फॉर्म, दिस न्यू फ्री रेडिकल मे बी प्राइमरी या सेकेंडरी फ्री रेडिकल, बट सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। अब सेकेंडरी कैसे, जब ये जो है हमारा बी आर जो है पहले नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा तो हमको सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राप्त होगा। ठीक है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल और उसके साथ ठीक है सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राप्त होगा। और जब ये पहले नंबर, अब ये जो हमारा बी आर है ये दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा तो हमको प्राइमरी फ्री रेडिकल प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल, क्योंकि पहले नंबर वाले कार्बन में फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है पहले नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा तो हमको सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राप्त होगा जो ज्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में। और अगर दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा तो प्राइमरी फ्री रेडिकल प्राप्त होगा जो कि लेस स्टेबल है इसकी तुलना में। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे HBr, ठीक है, मेनली यहाँ पे Br यहाँ पे आके जुड़ गया। अब HBr की अगर हम बात करें, HBr जोड़ना है तो CH3CH2Br। अब यहाँ पे एक Br जो फ्री रेडिकल है फिर से हमको प्राप्त हो जाएगा आगे रिएक्शंस में, तो ये 1-bromopropane प्राप्त होगा। मतलब कि ये जो है असामान्य क्रिया होगी बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो इसी को ही कहा जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि मेन क्या है, पेरोक्साइड के कारण ही हमको ये पूरा रिएक्शंस मार्कोनिक ऑफ रूल के अगेंस्ट प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेरोक्साइड इफेक्ट क्या है एंड इसे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्यों कहा जाता है। मेन रीजन वही है कि मार्कोनिक ऑफ रूल के हमको अगेंस्ट जो है प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उससे डिफरेंट जो है डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। जैसे मार्कोनिक ऑफ रूल में हमको जो यूजुअल प्राप्त होता है उसके अगेंस्ट बिकॉज ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको बीएससी एंड एमएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के लिए हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उसमें आप मुझे व्हाट्सअप में पेड हैंडरिटन नोट्स के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो और वीडियोज देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं एंड चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।